अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको दिया है, वर्किंग असाइनमेंट आपके सामने है, तो बिलो मेंशन्ड आर दी आस्क्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन है, वेदर मजिस्ट्रेट्स डिसमिसल ऑर्डर अपॉन द कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 CRPC इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आर द जुडिशल ऑर्डर। यहाँ थोड़ा मैं आपको क्लियर करूँगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी परस्पेक्टिव्स। नंबर वन, मजिस्ट्रेट एज अथॉरिटी टू पास द ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेटिवली एज वेल एज जुडिशली। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि मजिस्ट्रेट कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो चार ट्राइबल बाय हिम, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो चार ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। लेकिन उनकी जो प्रोसेस केसेस का होता है वो अथॉरिटी जो है वो मजिस्ट्रेट है, एज पर सेक्शन 190 सेक्शन सब सेक्शन 3 के अंदर ही ट्रांसमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। अच्छा, नाउ थिंग इज दैट मीन्स इन मैजिस्ट्रियल केस, मैजिस्ट्रियल केस मीन्स मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। इन सेशंस केस सेशन जज कैन टेक कॉग्निजेंस। नाउ मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड आर इक्विप्ड विद द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ही कैन डू इन सर्टेन एक्ट्स। चूँकि हमने आपको अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, जैसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है ए क्लास बी क्लास सी क्लास, हमने आपको बताया चूँकि ये क्लासिफिकेशन किसी भी जगह पे CRPC के अंदर नहीं है, लिहाजा इनके अंदर जो डिस्पोजल ऑफ केस होगा बाय द मजिस्ट्रेट आइदर अंडर ए क्लास बी क्लास और सी क्लास, दैट वुड बी प्योरली एक्सक्लूसिवली मैजिस्ट्रियल ऑर्डर। दूसरी चीज़ ये कि देयर इज ऑल्सो रिमांड ऑर्डर एंड रिमांड ऑर्डर इज मेड बाय द मजिस्ट्रेट। उसके अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि चालान इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC एंड एज सून एज चालान इज प्रेजेंटेड, यू मे कॉल इट फाइनल रिपोर्ट, यू मे कॉल इट चार्जशीट आर चालान, देन इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट ही इंडार्स इट दैट एडमिट रजिस्टर द केस एंड इट मीन्स ही हैज़ टेकन कॉग्निजेंस। चूंकि आपको तो पता है कि वेन अक्यूज इज अरेस्टेड बाई द पुलिस ही इज सपोज टू बी डिटेन्ड बाई द पुलिस फॉर 24 आवर्स एज पर सेक्शन 61 ऑफ CRPC एंड इट इज बाउंडन ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग 24 आवर्स एंड सबमिट बिफोर द कोर्ट। इन केस दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 24 आवर्स देन लॉ इज प्रोवाइडेड दैट इफ अक्यूजेशन इज वेल फाउंडेड एंड देयर इज सम मटीरियल इन स्टॉक विथ अक्यूज विच इज़ टू बी कलेक्टेड आर गेदर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देन इट इज इनकम्बेंट अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू सीक रिसॉर्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 167 CRPC वेयर बाय ही हैज़ टू टेक द अक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस एज लेड डाउन अंडर सेक्शन 167 CRPC वेयर रिमांड टाइम पीरियड इन फुल आर इन पोर्शन दैट इज़ टू बी ग्रांटेड बाई द कोर्ट एंड दैट इज ओवरऑल 14 और 15 डेज। लेकिन सिग्निफिकेंटली जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त रिमांड के लिए ले जाते हैं तो रिमांड लेटर होता है, उसके अंदर कहा जाता है कि हमने इसको अरेस्ट किया, क्योंकि जैसे ही इट इज़ ऑल्सो इन द पुलिस रूल्स एज सून एज अक्यूज अरेस्टेड His accusation is reduced in writing, that is in the form of the FIR. FIR is first document, first information report, and procedurally within 24 hours, copy is to be delivered in the court having jurisdiction. वहाँ कापी पहुँच गई, उसके बाद पुलिस जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉ ने पुलिस को कुछ टाइम फ्रेम प्रोवाइड किया है और उस टाइम के दौरान वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन जब रिमांड के लिए 167 में
वो कोर्ट के पास ले जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो कोर्ट ने अभी तक उस मैटर में कॉग्निजेंस नहीं लिया है. देयर इज नो चालान बिफोर द कोर्ट. व्हेन चालान इज नॉट बिफोर द कोर्ट देन हाउ कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस एंड ग्रांट द रिमांड. लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंटली एक मेन इशू, मेन लॉ पॉइंट जो इधर आता है वो ये है कि प्रोवियन लॉ का इन्वॉल्व है, दैट इज 167 सीआरपीसी. यहाँ हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन ऑफ ए बी आर सी क्लास दैट इज नॉट प्रोवाइडेड सीआरपीसी. लेकिन यहाँ का जो प्रोवियन है, अल्दो मजिस्ट्रेट हैज नॉट येट टेकन कॉग्निजेंस इन द मैटर, कॉग्निजेंस इज येट टू बी टेकन प्लेस, लेकिन उसके अलावा एक प्रोवियन कहता है के मजिस्ट्रेट विल ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी. अच्छा, ये सीआरपीसी में किसी भी जगह पे नहीं है कि जो 14 या 15 डेज का जो रिमांड होता है वो आइदर इट इज़ टू बी ग्रांटेड इन पोर्शन और इन लमसम. लेकिन केस लॉज हैं, केस लॉज सुपीरियर कोर्ट्स के हैं, जिसमें कुछ डायरेक्शंस और पैरामीटर्स सेट किए गए हैं कि कोर्ट के अंदर जब आप मैटर पुटअप करें फॉर दी पर्पज ऑफ रिमांड, तो ये मजिस्ट्रेट के लिए इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द मजिस्ट्रेट टू ग्रांट रिमांड इन पोर्शंस नॉट इन फुल, सो दैट देयर शुड बी चेक एंड सर्वेलेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट अपॉन द अक्यूज्ड एंड एज वेल एज अपॉन द पुलिस, दैट अक्यूज्ड नॉट सब्जेक्ट टू एनी टॉर्चर और माल ट्रीटमेंट एट द पुलिस, एंड फर्दर टू इंश्योर दैट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन स्मूथली एंड सम extraneous material relating to the subject controversy has been gathered or collected from the accused. अच्छा, इसके अंदर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो केस लॉज के अंदर हैं, इसके अंदर कोई भी सी आर पी सी के अंदर ये मेकेनिज़म नहीं दिया गया है. लेकिन सी आर पी सी के अंदर 167 का रिमांड है, जो रिमांड उस वक्त मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है जब उसने केस के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लिया. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट नहीं लेता उसके अंदर ये आर्डर पास करता है, क्योंकि वो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज कन्फर्ड अपॉन द मजिस्ट्रेट बाय वर्चू ऑफ सम प्रोपोजिशन एज लेड डाउन अंडर सम प्रोविजन ऑफ द लॉ, तो उसके अंदर वो पास करता है. तो इसके लिए जो कंट्रोवर्सी है कि आया उस आर्डर को हम जुडिशियल आर्डर कहेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर कहेंगे, क्योंकि वो जो ऑर्डर है वो अभी मजिस्ट्रेट ने केस के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लिया. हो सकता है कि मजिस्ट्रेट उस चालान को एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है कि मजिस्ट्रेट उनको री इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर कर दे, हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास इंटरिम चालान पेश हो, और हो सकता है कि वो ही केस मजिस्ट्रेट के पास सी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो और पुलिस उसको कैंसिल क्लास में डिस्पोज ऑफ कर दे. अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, फिर भी मजिस्ट्रेट को लॉ मेकर्स ने 167 सीआरपीसी में एक पावर दिया कि रिमांड पीरियड आप ग्रांट करें, वो रिमांड ग्रांट करता है. उस पे फॉर एंड अगेंस्ट केस लॉज हैं. कुछ केस लॉज कहते हैं कि ये जो उसका रिमांड का ऑर्डर है वो जुडिशल है, बिकॉज इट इज़ आउटकम ऑफ वन प्रोविजन ऑफ लॉ दैट इज़ 167 सीआरपीसी. कुछ सुपीरियर कोर्ट्स का व्यू है कि चूंकि उसके अंदर मजिस्ट्रेट ने अभी ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम नहीं की है और कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो इसका ये ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है एंड इट कैन नॉट बी टेकन टू बी कैलकुलेटेड एज ए जुडिशल ऑर्डर. अच्छा, यहाँ तक तो ये मामला है जिसके अंदर फॉर एंड अगेंस्ट है, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है वो ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है. ठीक है ना, मेजॉरिटी, दिस मेजॉरिटी व्यू. आगे चलें, 14 दिन के बाद कोर्ट के अंदर चालान पेश किया गया 173 सीआरपीसी में, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द चालान इज एनशिएटेड अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, दैट इज फॉलोड बाय टू प्रोविजंस ऑफ लॉ. इफ चालान इज कंप्लीट, एक्यूजेशन इज वेल फाउंडेड एंड चार्ज इज फ्रॉड विथ एलिगेशंस and accused along witnesses presented before the court, either he is on bail or not, that is a part, lekin every formality of law is completed and case is duly supported, to ye charge sheet iski jo description hai wo hai 170
सीआरपीसी के तहत। दूसरा इसका एस्पेक्ट, अक्यूज के खिलाफ केस एस्टेब्लिश नहीं हो रहा और कोई गवाही नहीं है और पुलिस ने 169 के रिसार्ट लेकर उसको रिलीज कर दिया और समरी कैंसिल क्लास की कोर्ट के अंदर आकर पेश की। लेकिन दोनों केसेस 167 में नॉट सपोर्टेड केस, 170 में सपोर्टेड केस, लेकिन दोनों के जो चालान्स हैं, आप इसको चार्जशीट कहें, आप इसको फाइनल रिपोर्ट कहें, ये कोर्ट के अंदर या इंटरिम रिपोर्ट कहें, ये कोर्ट के अंदर जो पेश करनी है उसका जो प्रोसीजर है वो है 173 सीआरपीसी के अंदर इसके अंदर पेश किया गया। अभी जो मेन चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि इसके पस मंज़र में जो मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है उस चालान पे, आइदर इज ग्रांटिंग दैट चालान एज इंटीरम आर ट्रीटिंग दैट इंटीरम चालान इज फाइनल आर एक्सेप्टिंग दैट चालान इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोपोजिशन इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 170 सीआरपीसी आर अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी वाट एवर मे बी। पॉइंट इज what is the description of that order and what may we call that order either as a judicial order or administrative order when magistrate take cognizance on that report। magistrate kya likhta hai, admit register the case, it is trial of sessions, let it be transmitted to the court of sessions under section 193 by observing codal formalities of the law, witnesses if present be bound down, their PR bonds be obtained and after fulfillment of the requisite formalities the case be transmitted to the court of session as provided under section 190। This order which is passed by the magistrate for the case in which he is not to take cognizance but that case is cognizable by the court of sessions। Apna case, I admit register the case, लेट विटनेसेस भी बाउंड डाउन इफ प्रेजेंट, क्यों के उनको अभी उस दिन एग्जामिनेशन नहीं होगा क्योंकि 241A के अंदर फिर मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा टू सप्लाई दी कापीज एंड डॉक्यूमेंट्स टू दी अक्यूज्ड। एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, एक तो आता है साइट मैप, नक्शाए वारदात, मेमो ऑफ द साइट, नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस इन बोथ descriptions 161 as well as 164 CRPC। ये जब सारी documents उसको supply होती हैं, this is the process is provided under section 241 CRPC in order to enable the accused to come prepared for the charge which will be framed after 7 days within meaning of section 241 CRPC। Till then the magistrate will bound down the witnesses so that they should turn up on the date of hearing as their evidence will be recorded as soon as the charge framed against the accused। Or evidence us witnesses ki kaun se provision mein hogi, that would be under section 244 CRPC। Witnesses will be examined under section 244 CRPC। अच्छा, अभी बताने का आपको मकसद ये है, जिसके अंदर आपका प्रोसीजर भी एक रिवाइज करके मैं आपका कंफर्म और क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये जो दो बातें मैं आपको बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट इमेजिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि इससे बाहर इम्तिहान आपका है नहीं। तो आया उस वक्त जो मजिस्ट्रेट उस पर आर्डर जो करता है, क्योंकि उस वक्त कॉग्निजेंस लेता है और उसके पास मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन होते हैं, आया वो चालान एक्सेप्ट करे या ऑब्जेक्शन लगाकर उसको वापस करे कि भाई इसकी ये कंप्लेंट्स करूं, नंबर वन। नंबर टू, अगर इंटरिम रिपोर्ट है तो उसको इंटरिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके फाइनल चालान का वेट करे और अक्यूज को फर्दर रिमांड के लिए 344 सीआरपीसी के अंदर 14 दिन का रिमांड उसके देकर फिर एडजर्न कर दे। लेकिन इन एनी केस मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहलाता है। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर्स की डिस्क्रिप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे जाती है। आया जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हम कैसे समझें, लेकिन
सिग्निफिकेंटली हमारे पास जो ग्रुप में एक क्वेश्चन आया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके अंदर ये लिखा गया कि ये जो 204 सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है या नहीं लेता है अपन डायरेक्ट कंप्लेंट, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्डर, तो उसके अंदर हमारे दोस्तों ने लिखा कि ये बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो मैंने वो उस वक्त नोट किया, मैंने कहा अभी ये तो मैं लिखता हूँ तो फिर मुझे तो पूरी रात लग जाएगी इसको लिखते लिखते, तो इसे बेहतर है कि मैं इस क्वेश्चन को ग्रुप में ले जाऊँगा, फिर मैं इनको बताऊँगा कि ये जो आर्डर, चूँकि जो आर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर्स में पास होते हैं वो तो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अभी बात ये है कि अभी हमारे पास एक जो कॉमन सेंस है अपना, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो लॉ ऑटोमेटिकली हमें फेवर करता है। कॉमन सेंस के अंदर, क्योंकि कॉमन सेंस वो चीज़ है जिसके अंदर सुपीरियर कोर्ट्स खुद कंफ्यूज हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ हाई कोर्ट के जजेस का व्यू है कि 167 का जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ हाई कोर्ट के जजेस का व्यू है कि 167 का जो ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर है, जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उनका ये एक अभी तक मजिस्ट्रेट ने कागज नहीं लिया, जो कहते हैं जुडिशियल ऑर्डर है उनका कहना ये है कि ये एक प्रोविजन के तहत ऑर्डर कर रहा है, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 167 तो अवेलेबल है ना, जब ना हो तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कहें ना, ये तो प्रोविजन के तहत ऑर्डर कर रहा है। सिमिलरली अभी यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया कि चालान के वक्त में वो जो मजिस्ट्रेट चालान एक्सेप्ट करता है उसके लिए कौन सा सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर है, जैसे 173 के अंदर है प्रेजेंटेशन ऑफ द चालान, लेकिन 173 के सब सेक्शन 5 तक 1, 2, 3, 4, 5 तक किसी भी जगह पे ये लिखा नहीं है कि वो चालान मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेगा इस प्रोविजन के तहत या रिफ्यूज़ करेगा। तो इसका मकसद ये हुआ जब कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि भाई उसके अंदर है ही नहीं। 167 के अंदर तो रिमांड है लेकिन एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल चालान का तो कोई प्रोविजन नहीं है। अभी यहाँ से हम डाइवर्ट करते हैं, इसको यहाँ एक सैंपल बनाकर इस क्वेश्चन के तरफ आते हैं कि 203 सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट जो है उसके अंदर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और 204 सीआरपीसी के अंदर उसी कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट डिसमिस करता है। तो डिसमिसल को या कॉग्निजेंस को यहाँ कहा गया इस ग्रुप के अंदर कि ये बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। नाउ पॉइंट इज, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है तो 203 और 204 सीआरपीसी ये तो प्रोविजंस है ना जिसके तहत उसने ऑर्डर कर दिया, तो लॉ मेकर्स ने अगर प्रोविजंस दिए हैं और उस प्रोविजंस को एक्सरसाइज करने वाला सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और कोई दूसरा मजिस्ट्रेट या अथॉरिटी नहीं है तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैसे कहते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं जिनका ओरिजिन मैं आपको समझाऊं, जिस तरह से एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है, एक है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसने एक प्रोफेसर को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, एज अ इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर वो क्या करता है कि सीपीसी आधी इस्तेमाल करता है, विटनेसेस को समन करता है और डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन लेता है और उसको एविडेंस पे एग्जामिन करता है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का लेटीट्यूड प्रोवाइड करता है अक्यूज को और उसके बाद फिर री एग्जामिनेशन भी होता है अगर कोई कन्फ्यूजन हो। तो ये तो ये जो प्रोफेसर है ये तो मजिस्ट्रेट या जज बनकर सारा प्रोसीजर करता है ना, तो इसके ऑर्डर को आप क्या कहेंगे, जुडिशियल ऑर्डर कहेंगे, व्हाट विल यू कॉल इट। नेचुरली उसका जो यानी ऑर्डर है उसके पास तो यानी जो जज तो है नहीं, सीपीसी का रिसार्ट वो कर नहीं सकता लेकिन कर रहा है सीआरपीसी के अंदर टू कंपेल द विटनेसेस टू कम। अभी कैसे उसको लिखेगा भाई इसको आप जो है ना वो पेश करें, अगर नहीं तो पुलिस को नहीं लिखेगा कि भाई आप इसको अरेस्ट करके पेश करें, हाई अप्स को लिखेगा और इंक्वायरी फेल करेगा, लेकिन प्रोविजंस जो वो यूटिलाइज कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है वो वही कर रहा है जो एक जज करें। तो इसके लिए इफ़ द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर विच द अथॉरिटी इज एक्टिंग लीव्स हिम एब्सोल्युटली फ्री टू डिसाइड द मैटर बिफोर इट इन इट्स ओन डिस्क्रिशन, आई मीन्स इट इज ओन डिस्क्रिशन, ये डिस्क्रिशन है मजिस्ट्रेट की आइधर टू डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन
204 R to allow under section 203 CRPC. ठीक है ना, इसकी डिस्क्रिएशन है ना, डिस्क्रिएशन विदाउट रेफरेंस टू द फैक्ट्स फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ व्हिच द अपोजिट पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड इन लॉ टू प्रोड्यूस एविडेंस. लेकिन मेन थिंग जो है जिस पे हमें फोकस करना है वो ये कि उस वक्त जो मजिस्ट्रेट के पास जो एक्सरसाइज है, जो कुछ वो कर रहा है वो वन वे कर रहा है, अदर पार्टी उसके सामने है नहीं. जो बंदा जिसको एग्जामिन कर रहा है तो प्राइमा फेसाई उसको एग्जामिन कर रहा है और एग्जामिन करने के बाद उसके एविडेंस को बिलीव कर रहा है और उसकी एविडेंस इज अगेन सब्जेक्ट टू क्रॉस आर कॉरोबोरेशन. वो जब उसकी स्टेज आ जाएगी तो मीन्स उस वक्त जो ये एक्सरसाइज टोटली है वो इन एब्सेंस ऑफ रिस्पोंडेंट है, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ अपोनेंट है, उसका अपोनेंट वहाँ है नहीं और उसको वन साइड एविडेंस को या तो बिलीव करता है या तो डिस्कार्ड करता है. तो ये तो वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हुआ, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहते हैं. ये तो किसी भी सूरत में जुडिशल ऑर्डर हुआ नहीं, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर के अंदर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर वो जो भी एविडेंस कलेक्ट की जाती है, जिसको भी एग्जामिन किया जाता है, उसका जो फिनोमेना होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है एंड अथॉरिटी विल बी एक्टिंग प्योरली इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी. और व्हेन इट इज़ प्योरली इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिट ऑफ सर्श्योरी. अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो केस ला था, व्हाट इज रिट ऑफ सर्श्योरी. हाई कोर्ट के अंदर एक रिट इशू होता है रिट ऑफ सर्श्योरी, और ये हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर रिट ऑफ सर्श्योरी इशू करता है, ट्रिब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्श्योरी के अंदर कहता है ट्रिब्यूनल्स को, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है, लेबर अपील ट्रिब्यूनल है और वो सर्विस ट्रिब्यूनल है या और कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर हाई कोर्ट अंडर रिट ऑफ सर्श्योरी आप उसके पास अगर कोई रिट ऐसी दाखिल करते हैं, इस ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड मंगाएं, इस ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को स्टे कर दें, तो हाई कोर्ट ये उसके पास पावर है अंडर द रिट ऑफ सर्श्योरी. लेकिन उनका जो एक्शन होता है वाट एवर दैट इज़ अंडर द लॉ एंड अंडर देयर जुडिशियल कैपेसिटी. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हो जैसे मजिस्ट्रेट करता है तो रिट ऑफ सर्श्योरी वहाँ अप्लाई नहीं करता. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. तो अभी इसके अंदर जो मेन चीज़ आ गई, इट डिपेंड्स इन ऑल केसेस ऑन द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर व्हिच द अथॉरिटी इज़ एक्टिंग. If it is under its legal duty to deal with that matter judicially, that is to come to a decision after allowing the parties to dispute opportunity, allowing the parties in dispute या allowing the parties an opportunity to adduce evidence. जब evidence उसके पास दोनों sides का आ जाएगा तो then that will be judicial order, और जब तक evidence नहीं आया that will be called administrative order. तो इसके अंदर जो उन्होंने कहा कि भाई ये administrative order है, that was right answer, ठीक है ना. लेकिन उसके पीछे justification जो था वो मैंने आपको अभी दे दिया कि भाई ये किस तरह से administrative order है, क्योंकि under preliminary inquiry में है और इंक्वायरी वन वे हो रही है और रिस्पॉन्डेंट को उसको क्रॉस करने का मौका नहीं मिल रहा, कोर्ट एक साइडेड एविडेंस ले रही है और दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ इंक्वायरी. क्यों, तीन स्टेप्स होते हैं टू प्रोब. नंबर वन इन्वेस्टिगेशन, दैट पावर एक्सक्लूसिवली प्योरली लाइज विथ पुलिस. एनदर इज इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स प्रिलिमिनरी स्टेज दैट इज प्योरली एक्सक्लूसिवली प्रीरोगेटिव ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम सिविल कोर्ट टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खुद करती है और या सबऑर्डिनेट कोर्ट से कराती है. और तीसरा जो है दैट इज ट्रायल, ट्रायल इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द कोर्ट. तो तीन जो ये स्टेजेस हैं उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का पावर पुलिस को है और इंक्वायरी और ट्रायल का पावर कोर्ट को है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था जो अभी क्लियर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं कि कत्ल खता बाय रैश आर नेग्लिजेंट ड्राइविंग आर बाय एन अदर मोड ऑफ नेग्लिजेंस विल डिस्कस द पर्पोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एज क्रिमिनल नेग्लिजेंस आर द सिविल नेग्लिजेंस.
आपने सिविल नेगलिजेंस सुना है? नेगलिजेंस हैज डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स अंडर डिफरेंट लॉस. इट लाइज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट एज वेल एज अंडर द लॉ ऑफ क्राइम. टॉर्ट में इट कम्स इन द शेप ऑफ डैमेज, जो इसकी इसेंशियल इंग्रेडिएंट है. कि नेगलिजेंस, इफ इट इज सिविल नेगलिजेंस, इट विल फॉल इन द एम्बिट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, एंड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट वी क्लेम डैमेजेस. देखिए, अभी जो सिविल लॉ के अंदर कुछ लॉज ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ये जो नेगलिजेंस है वो मास्टर एंड सर्वेंट लॉ में अप्लाई नहीं करता. मास्टर एंड सर्वेंट लॉ क्या है? मास्टर एंड सर्वेंट लॉज के अंदर अगर एग्रीमेंट है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती. मसलन ये ऑफिस बॉय, इसने मेरे साथ एग्रीमेंट की कि मैं 12 महीने आपके पास काम करूंगा इतनी तनख्वाह पे. वो एग्रीमेंट मेरे पास है, 5 महीने के बाद भाग गया. मैंने जाकर इसके ऊपर सूट किया. जब सूट मैंने दाखिल कर दिया कि भाई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, इट इज़ टू बी परफॉर्म बाय हिम एंड ही हैज़ क्विटेड मी एंड हैज़ ज्वाइंड माय अनदर नेबरर. तो लॉ कहता है कि ये जो आप टार्ट है इसके अंदर आप नेगलिजेंस जो भी इसका एक्ट है वो टार्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर ये उसकी पर्सनल सर्विस है और पर्सनल सर्विस जो है वो आती है मास्टर एंड सर्वेंट लॉ के अंदर. लेकिन इस नेगलिजेंस जो भी है उसकी वो मास्टर एंड सर्वेंट लॉ के अंदर भी नहीं आती. नेगलिजेंट एक्ट्स जो हैं वो हमारे सेक्शन 21 स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर, वो भी जो नेगलिजेंट एक्ट है जिसके अंदर ये मास्टर एंड सर्वेंट लॉ भी आता है, वो आप उसको पढ़ लेना अच्छी तरह से. इन लॉ ऑफ क्राइम्स देयर आर अ सीरीज ऑफ ऑफेंसेस बेस्ड ऑन नेगलिजेंस इन विच लॉस आर इंजरी इज नॉट मटीरियल. ये भी क्वेश्चन हमें ग्रुप में आया था. ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन था कि भाई ये जो रेश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग है ये आता है कत्ले खता में. अच्छा, कत्ले खता की बेसिकली जो फाउंडेशन रखा गया है वो है दो पिलर्स पे. नंबर 1 नेगलिजेंट एक्ट, नंबर 2 नेगलिजेंट ड्राइविंग. नेगलिजेंट एक्ट टू सम एक्सटेंट कंडोनेबल है और नेगलिजेंट ड्राइविंग कंडोनेबल नहीं है. दोनों के अंदर, दोनों ऑफेंसेस के अंदर मर्डर होता है. नेगलिजेंट एक्ट के अंदर भी बंदा मरता है और नेगलिजेंट ड्राइविंग में भी इंसान मरता है, लेकिन दोनों के अंदर जो FIR होती है वो 302 की नहीं होती. FIR जो इनके अंदर होती है वो होती है आइदर नेगलिजेंट एक्ट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 319 ऑफ BPC आर नेगलिजेंट ड्राइविंग विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 320 PPC. लेकिन उसके अंदर ये 302 PPC में नहीं आएगा. रिस्पेक्टिवली उसके अंदर उन्होंने किसी को मार भी दिया है. तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अभी जो उसके अंदर हम देखते हैं, चूंकि इसके अंदर जो केसला रिपोर्टेड है उसने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि नेगलिजेंट एक्ट में या नेगलिजेंट ड्राइविंग में कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं. जैसे सेक्शन 279 रेश एंड नेगलिजेंट एक्ट था, जो अभी उसका डिस्क्रिप्शन जो दी गई है 318 के अंदर है. ये हमारे टाइम में 279 था. 304A वो थी पनिशमेंट ऑफ रेश एंड नेगलिजेंट ड्राइविंग की. हमारे वक्त में जब PPC अमेंड हो गया तो अभी सेक्शन सारे अमेंड हो गए. अभी इस रिपोर्टेड केस के अंदर एक 279, 285, 287 एंड 290 PPC आर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फॉर रेश एंड नेगलिजेंट एक्ट. तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि भाई जो पर्सन को कोर्ट जो सज़ा देती है वो मर्डर की नहीं देती है, रेश एंड नेगलिजेंट एक्ट की देती है. अभी देखिए दो बातें हैं.
ड्राइवर है, गाड़ी 100 स्पीड पे चला रहा है और अचानक बंदा आ जाता है, वो उसको उड़ा देता है, मर जाता है, कोई इंजरी नहीं होती, ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो ये यानी जो सराउंडिंग सरकमस्टेंसेस है, क्रिमिनल मेंस रिया है, वो सारा इस्टेब्लिश हो गया कि भाई इतनी स्पीड के साथ था और इतनी स्पीड के साथ इसने इसको डैश किया कि वो सर्वाइव नहीं कर सका। गाड़ी 40 स्पीड पे है, अगर कोई बंदा सामने आ जाता है, उसको लगता है कल्टियाँ तो खाता है, मरेगा नहीं। तो ये जो लॉ है, जो लॉ की जो बिल्डिंग है, जो लॉ का स्ट्रक्चर है, वो भी हमारे जो सराउंडिंग सरकमस्टेंसेस है डेली रोज़मर्रा लाइफ में और हमारे एक्सपीरियंस में, वही लॉ है। लॉ कोई आसमान से नहीं उतरा है, लॉ वही है जिसके अंदर हम सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर हमने खुद लॉ बनाया है कि एक सोसाइटी को किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चलाएँ और सिस्टम को कैसे स्ट्रीमलाइन करें। तो उसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं कि जिस तरह से एक नेग्लिजेंट एक्ट वो आया है, दैट इज़ अंडर फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 PPC। ये कहता है कि डिसऑनेस्टली दैट इज़ रॉन्गफुल लॉस हैज़ बिन कॉज्ड इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड। या फिर ये होता है कि भाई आया ये जो एक्ट है, जो नेग्लिजेंट एक्ट है, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर किस तरह से आता है। एक तो मैंने आपको रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात बता दी, लेकिन 405 के अंदर भी कुछ ऐसी एक्सेप्शंस आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उसके अंदर भी नेग्लिजेंस हो सकता है। कोर्ट उसको किस पैरामीटर में देखती है, तो उसको समझने के लिए हम लैंग्वेज पढ़ते हैं सेक्शन 405 PPC की। 405 PPC कहता है, whoever being in any manner entrusted with property or with dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। यहाँ ये चीज़ है कि जो एक्ट है, नेग्लिजेंट एक्ट है, उसको यहाँ लाया गया है कि आया उसको उसके अंदर फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली इसको एट्रीब्यूट किया जाए या बोनाफाइडली एट्रीब्यूट किया जाए। उसके अंदर जो टर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो हुए हैं इंटरेस्टेड, दूसरा है डोमिनियन, तीसरा है डिसऑनेस्टली, चौथा है मिसअप्रोप्रिएट्स। ये चार अल्फाज हैं जो यहाँ इस्तेमाल हुए हैं और इनका एक सिग्निफिकेंस है। देखिए, एक हमारे घर में एक नौकर है और नौकर है जिसको एक रिंग है, मेरी पड़ी है टेबल पे, उसने वहाँ से रिंग उठाई, मैं ऑफिस चला गया और दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, आठ दिन, दस दिन, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं भूल गया, लेकिन वो उसने उठाकर एक जगह पे रख दी। अभी वो शायद, यानी दिस इज़ अ परसेप्शन, शायद इस ख्याल में कि साहब भूल जाए तो मैं फिर इसको बाद में मिस अप्रोप्रिएट करूँ। अगर 10-15 दिन के अंदर अगर साहब मुझसे पूछता है तो फिर मैं इसको देता हूँ, अगर नहीं पूछा वो समझा कि भाई शायद ऑफिस में रह गई या कहीं गिर गई, तो फिर मैं टाइम के हिसाब से इसको इस्तेमाल करूँगा। लेकिन एक ऐसी जगह पे रखता है जहाँ सिर्फ उसको पता है, बाकी किसी को पता नहीं है और ये बताता नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक ये एग्जांपल है, इसको आगे मैं क्लियर करूँगा। दूसरा एग्जांपल इंटरेस्टेड का, मेरे पास एक हीरे की डायमंड की अंगूठी है, मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ सफ़र पे होऊंगा तो इसकी सिक्योरिटी है नहीं, अपने एक दोस्त को मैंने दे दी कि भाई आप इसको सिक्योर रखें और इंटरेस्ट आपको करके जा रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं और इसका आप कस्टोडियन बने, वापस में आया मैं आपसे ले लूँगा, मैंने उसको इंटरेस्ट कर दी। दूसरी पॉइंट में डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, यानी जैसे मेरा नौकर है, अभी उसके पास ये प्रॉपर्टी है, मेरी रिंग है जो उसकी कस्टडी में है। तीसरा, आगे चलकर वो बंदा जिसको मैंने खुद जो रिंग इंटरेस्ट की, तो 405 PPC के अंदर अभी उसने अपने पास रखी
और सपोज कीजिए जो रखने वाला बंदा है अगर वो मर गया, अगर वो किसी को पता नहीं है और किसी ने उससे डिमांड नहीं किया, तो अगर वो अखबार में भी इश्तहार देता है लेकिन ला कहता है कि चूंकि क्लेमेंट उसके पास टर्न अप नहीं हुआ, उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, ही कैन अप्रोप्रिएट दैट प्रॉपर्टी, नंबर वन, जो उसको इंटरेस्ट की गई थी। अभी एक प्रॉपर्टी है, सपोज़ कीजिए आप नीचे जाते हैं, एक रिंग है वो आपको मिल जाती है, आप उसको अपने कस्टडी में रखते हैं, तो वो आपकी डोमिनेंसी में रहेगी, यू विल बी डोमिनियन ओवर दैट प्रॉपर्टी इरिस्पेक्टिवली, आपको पता भी नहीं है किसकी है, लेकिन उसके अंदर आपका कोई इल इंटेंशन नहीं है कि भाई मैं इसको अपने यानी यूज़ में लाऊं, अनलेस भाई इसका कोई मालिक निकले, आप उसके लिए कोशिश करते हैं और अगर आपको मालिक मिलता है आप उसको इंटरेस्ट करते हैं, नहीं मिलता है अपने कन्वर्ट अपने ओन यूज़ में करते हैं, इट्स नो ऑफेंस। अच्छा नंबर थ्री के, लेकिन अभी दो बातें हैं, एक बात तो ये आ गई कि वो प्रॉपर्टी जो है जो आपको हमने अपने नौकर को दी और या अपने दोस्त को दी, इंटरेस्ट की उसको भाई आप रखें जब तक मैं वापस हूँ, या वो प्रॉपर्टी जो मेरे सर्वेंट ने घर में मेरी टेबल पे देखी और अपने कस्टडी के अंदर कर दी। लेकिन दोनों सूरतों में क्या हुआ कि मैं बाहर गया और मेरे दोस्त ने जाकर उसको बेच दिया, जब मेरे दोस्त ने उसको जाकर बेच दिया तो इसका जो सेल वगैरह का जो प्रोसेस है या बेचने का प्रोसेस है वो तो हुआ डिसऑनेस्टली, मीन्स डिसऑनेस्टली ही मिसअप्रोप्रिएटेड माय प्रॉपर्टी एंड कन्वर्टेड दैट आउटपुट ऑफ माय प्रॉपर्टी इनटू हिज ओन यूज, ठीक है ना। अभी दूसरी बात है कि डिसऑनेस्टली का ये कैसे हम समझें कि द एक्ट ऑफ द पर्सन इज डिसऑनेस्टली, तो डिसऑनेस्टली के लिए ये होता है कि भाई डिसऑनेस्टली एज प्रोपाउंडेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द पीपीसी इट इज प्रोवाइडेड दैट मीन्स काजिंग रॉन्गफुल लॉस टू सम पर्सन एंड रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ, दैट इज डिसऑनेस्टली। अगेन सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को भी डिफाइन किया गया है। रॉन्गफुल गेन इज अ गेन इन व्हिच अंडर द पर्सन हु इज गेनिंग हैज नो राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी एंड रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस ऑफ दैट पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन एंड ही हैज राइट अपॉन दैट प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रोविजन सेक्शन 23 सेक्शन 24 डेफिनेशन क्लास पीपीसी में डिफाइन किए गए हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन मीन्स यूटिलाइजेशन एक्सरसाइजिंग आर कन्वर्टिंग हिज ओन यूज़ ऑन दैट प्रॉपर्टी जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसका जो एक्ट है, अभी देखिए वो जो सरेंट का जो एक्ट है, अभी उसको जब ये मिला कि भाई ये आपके पास रिंग था, कितने दिन था, 30 दिन था, 30 दिन तक आपने अपने मालिक को नहीं बताया, तो मीन्स उसका जो एक्ट उस वक्त होगा ना, ये कहेगा सर मैं बस भूल गया, तो नाउ इट इज़ नेग्लिजेंस अनलेस इट इज़ प्रूव्ड, क्योंकि उसके पास अभी तक कब्जे में है, उसने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, दिस इज टेंटामाउंट नेग्लिजेंस बट दैट इज़ अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ला ने एक मैकेनिज्म सेट किया है कि भाई किस तरह से ये होता है। अच्छा अभी ये तो नेग्लिजेंस हो गया जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ गया 405 के अंदर, लेकिन वो नेग्लिजेंस रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो दैट इज़ क्वाइट डिस्टिंग्विश्ड, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको इस प्रोविजन का प्रोविसो पढ़कर सुनाऊंगा वेयर एवरीथिंग इज क्लियर। कत्ले खता 318 में आता है, हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन काजिंग डेथ और हार्म टू अ पर्सन आइधर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्ट और फैक्ट दो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल की गई हैं, इज सेड टू कमिट कत्ले खता। उसका एक इलस्ट्रेशन ये है कि एक बंदा है शिकार कर रहा है, एक डियर है, हरन है, वहाँ खड़ा है, उसके ऊपर उसने फायर कर दिया। डियर चूंक बहुत स्पीड वाला भी होता है और बहुत अपने आप को डिफेंड करता है, तो वो भाग गया, सामने दूसरा शख्स था उसको गोली लग गई,
फायर हिट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन वॉज डाइड. तो ये बंदा इस बंदे को नहीं मार रहा था, वो हरण को टारगेट कर रहा था, टारगेट एक बंदा हो गया. तो ही इज लायबल फॉर कत्ले खता मीन्स एक्ट ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्सन. 319 में पनिशमेंट फॉर कत्ले खता है, हूएवर कमिट्स कत्ले खता शैल बी लायबल टू डेथ, दैट्स ऑल. लेकिन प्रोविसो में, अभी यहाँ प्रोविसो ऐड किया गया, प्रोविसो में कहा भाई अगर दियत होगा तो फिर हर एक ये प्ली देगा एनीवे, उसने उसको मारा तो सही, अगर खता भी है तो भी उसको विजिलेंट होना चाहिए, एक इंसान की लाइफ है. प्रोविसो में कहा गया कि देट वेयर कत्ले खता इज कमिटेड बाय रेश आर नेग्लिजेंट एक्ट, रेश आर नेग्लिजेंट एक्ट, द ऑफेंडर मे इन एडिशन टू दियत आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर 5 years. मीन्स अपार्ट फ्राम दिस दियत अमाउंट ही इज ऑल्सो लायबल आर ही विल बी डब्ड बाई द कोर्ट फॉर द सेंटेंस आर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years. एज अगेंस्ट दैट कत्ले खता बाई रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 320 PPC. 320 PPC में ये है कि अगर कोई रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करेगा ही इज लायबल फॉर डेथ एंड इन एडिशन इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years. अभी यहाँ लॉ का यहाँ स्टॉप नहीं हुआ. देखिए ना, ये क्योंकि मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि एज अ लॉ स्टूडेंट हमने देखा कि भाई एक बंदा है जिसके अंदर ये खड़ा है और उसने एक हरण को मारा, आया उसका ये लॉफुल ऑब्जेक्ट था या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था. पहले तो हम देखेंगे कि आया उसको शिकार की परमिशन थी, नंबर वन. नंबर टू हम देखेंगे कि आया उसको जो ये गन या वेपन यूज़ किया शिकार के लिए वो लाइसेंस था या अनऑथोराइज था, नंबर टू. नंबर थ्री, आया वो एविडेंस चाहिए कि वाकई उसने जो टारगेट किया वो डियर को ही टारगेट किया. तो उसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट आता है कि द ऑफेंस विच इज़ कमिटेड इन विच देयर इज़ नो क्रिमिनल इंटेंशन आर नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, क्या उसको हम लॉफुल एक्ट कहेंगे, इन अ लॉफुल मैनर, क्या वो एक्ट लॉफुल मैनर में था, बाय लॉफुल मीन्स, और उसके जो मीन्स थी वो लॉफुल थी. अगर इफ़ इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन देन देयर मे बी सम एक्सेप्शन. वो कहाँ प्रोवाइडेड है, दैट एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 80 ऑफ PPC. इट कम्स इन जनरल एक्सेप्शन, इट कम्स इन जनरल एक्सेप्शन. जनरल एक्सेप्शन में 80 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट आर मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन आर नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन. प्रॉपर केयर एंड कॉशन उसकी एक इलस्ट्रेशन है. उसके बाद हम रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे आते हैं, ठीक है ना. इलस्ट्रेशन ये है कि एक बंदा था, वो एक जगह पे मजदूर था. मजदूर, उसकी दिहाड़ी 50 या 100 रुपया थी. मालिक ने उसको कहा कि ये जो बड़ा ट्री है आप इसको कट करेंगे, वो काम उसका यही था. तो उसके पास जो कुल्हाड़ा था, हैचेट, बड़ा शार्प हैचेट था, उससे वो उसको कट कर रहा था. तो उसके पास एक पासर बाय था जो वहाँ से गुज़र रहा था. अचानक सडनली उसका जो हैंडल था उस कुल्हाड़े का, वो जो है ना, वो टूट गया और वो जो हेड था मीन्स कुल्हाड़ा, वो फ्लाई कर गया. तो चूंकि वो तो फोर्स से इसको मार रहा था, और फोर्स से अगर कोई चीज़ होती है तो फिर उसका एक यानी ग्रेविटी या सीवियरिटी वो बड़ी एक तेज़ होती है, वो ऑर्डनरी नहीं होती. तो इस तरह से जब वो हैचेट उड़ा, तो उस तरह उड़कर जब उस बंदे के पास आया तो उसका शार्प साइड का उसको यहाँ गले पे लगा एंड ही वॉज डाइड.
जब ही वॉज डाइड तो उसके अंदर अभी ये देखा जाएगा कि आया जो कोर्ट के पास एविडेंस आएगा वो ये आएगा, हियर इफ देयर वॉज नो प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट अक्यूज, भाई उसको तो काम करना था 50 की दिहाड़ी पे, वो डेली 10 आम दरख्त जो है इस तरह से काटता था, और नंबर टू के फिर उसके बाद अगर उसने गुड फेथ में सारा काम किया और उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज ऐसी नहीं थी कि इस तरह से ये जो है ना वो टूट जाएगा और जो इसका हेड है वो फिलाए होगा हेचेट का, उसके अंदर ये जो काम कर रहा था वो लॉफुल उसका एक्ट था, क्योंकि 50 या 100 रुपये की दिहाड़ी पे वो एम्प्लॉई था और उसका जो मैनर था वो भी लॉफुल था, क्योंकि उस दिहाड़ी के बाद वो अपने घर का ख़र्चा उठाता था और उसके लिए जो ज़रिया मुआश सर्वाइवल था उसके पीछे जो 100 रुपया आना था वो लॉफुल मीन्स से था, कोई इलीगल मीन्स से नहीं था, कि ये एक्ट एक्सक्यूजेबल है, ये एक्ट एक्सक्यूजेबल है एंड दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस। ये सारी एविडेंस आती है। अभी एक और इंस्टेंस है जिसके बाद मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। सपोज़ कीजिए एक बंदा है 30-40 स्पीड के साथ जा रहा है और अचानक जो एक बंदा है स्पीड के साथ वो पास ऑन कर रहा है, उसने ब्रेक तो लगाई लेकिन वो स्लिप हो गया, गिर गया और यही बात रन ओवर बाय द व्हील्स, मर गया। अभी ये एक भाई आम रवाजी जो एविडेंस आएगा वो ये होगा कि रूटीनली अगर कराची के रोड्स पे अगर गाड़ी हो और मोटर कार हो तो उसकी कम से कम स्पीड जो होगी चलने के लिए वो 30-40 तो होगी, चलो ठीक है 100 तो नहीं होगी, 80 नहीं होगी, 60 नहीं होगी, लेकिन अगर रश या थिकली एरिया से पॉपुलेटेड एरिया से उसकी स्पीड 30-40 होगी और बदलाव अगर वो खुद स्लिप हो गया है और इस तरह से वो व्हीलों के नीचे आ गया, रन ओवर बाय द व्हील्स हुआ, तो फिर उसके अंदर उसकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो थी नहीं ना, प्रिकॉशनरी उसने उसको ब्रेक लगाया, उसकी ब्रेक लगने से इसको बचाते हुए उस फुटपाथ से टकराया, लेकिन ये खुद व्हीलों के नीचे आ गया और मर गया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर मेंसरिया इंटेंशन वो सारा देखा जाता है, फिर जनरल एक्सेप्शंस में वो देखा जाता है कि आया ये ऑफेंस जो है वो प्यूनिटिव है या नहीं है। तो ये यानी ड्राइविंग है जो रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं है, जब रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं है तो जनरल एक्सेप्शंस में आ गई जहाँ लिखा गया नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज़ डन इन गुड फेथ। तो ये चीज़ें आती हैं जिसको हम इस तरह से बाइफर्केट और डिस्टिंग्विश करते हैं, एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करते। हालांकि क्रिमिनल लॉ है, जिसको आपने देखो पढ़ा होगा अपने हिसाब से पढ़ा होगा। जब हमने इस प्रोविजन को देखा तो उसके अंदर पहले तो हमने इसको लॉ ऑफ टार्ट में ले गए और फिर लॉ ऑफ क्राइम में ले गए। लॉ ऑफ टार्ट के अंदर हमने इसके जो लॉ ऑफ डैमेजेस के अंदर हम ले गए और लॉ ऑफ डैमेजेस के अंदर हमने देखा कि भाई एग्रावेटिंग सरकमस्टेंसेस क्या बनते हैं और किस तरह से ये नेग्लिजेंट जो है वो प्यूनिटिव है अंडर सिविल लॉ, पर्टिकुलरली अंडर द लॉ ऑफ टार्ट। उसके बाद हम इसको लॉ ऑफ क्राइम में लेकर गए और क्राइम के अंदर मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने सेट किए, एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का और दूसरा रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का। फिर हम इनको रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जिसको कत्ले खता भी नया नामकरण दिया गया है, उसको हमने फिर जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 80 PPC के अंदर ले गए। तो फिर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने देखी, एविडेंस हमने देखा, अगर एविडेंस के अंदर ये केस आता है तो रैश एंड नेग्लिजेंट इस्टेब्लिश होता है, अगर एविडेंस के अंदर नहीं आता तो रैश एंड नेग्लिजेंट इस्टेब्लिश नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट बंदा मर जाता है लेकिन FIR 302 की नहीं होती, क्योंकि FIR होती है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की या रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा था। और तीसरा जो क्वेश्चन है, आर द सेक्शंस 13 एंड 14 ऑफ TPA डिफरेंट देन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्वेश्चन के अंदर जो बात है जिसके अंदर ये पूछा गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये जो सेक्शन 13 है या सेक्शन 14 है इसका तेलक जो है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से है। सेक्शन 13 या 14 आर द सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफरेंट देन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर तो वो प्रॉपर्टी होती है जब वो बंदा प्रोपोजिटस डाय करता है तो उसकी सक्सेशन ओपन होती है, लेकिन वहाँ तक भी नहीं, अगर उसने कोई विल छोड़ी है, इफ़ ही हैज लेफ्ट विल विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 59 ऑफ सक्सेशन एक्ट, विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 59 ऑफ सक्सेशन एक्ट अगर उसकी कोई विल है तो फिर वो उसकी विल के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट है देन देयर विल बी अ सिविल सूट, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विल नहीं है तो उसकी सक्सेशन ओपन होगी इन ए टू शेप्स, एक तो सक्सेशन एप्लीकेशन डाली जाएगी और दूसरा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से अथोराइजेशन लिया जाएगा, उसके अलावा उनकी यानी विरासत जो है वो तकसीम नहीं होगी। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके अंदर म्यूटेशन एंट्रीज ट्रांसफ़र हो जाती है अंडर द रेवेन्यू लॉज, लेकिन वो फॉर द फिस्कल पर्पज़ वो एंट्रीज होती हैं इन ऑर्डर टू शो दैट हाउ हिज लैंड इज़ डिवॉल्व्ड अमंग द लीगल हेयर्स, क्योंकि रेवेन्यू वालों को अपना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है तो भाई किसी के पास तो जाएंगे ना, फॉर दैट पर्पज़ ये एंट्री करते हैं कि भाई अभी उसके ज़मीन आपके पास है ना भैया, दे दो रेवेन्यू दे दो, लेकिन वो उसको जो फिस्कल पर्पज़ के लिए जो म्यूटेशन एंट्रीज है दोज एंट्रीज डू नॉट क्रिएट टाइटल। अच्छा, अभी जो सेक्शन 13 और 14 का परपोर्ट था वो था कि एक प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर हो रही है, एक बंदा प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है, लेकिन जो सेक्शन 13 है उसके अंदर ये है कि वो बंदा, सपोज़ कीजिए कि वो बंदा, देखिए ना ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना, कंसंट्रेट करेंगे तो समझेंगे, क्योंकि मैं 12 इसको समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी हर चीज़ हर नई बात होती है। प्रॉपर्टी जो मेरी है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सक्सेशन ओपन होगी आफ्टर माई डिमाइज, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफ़र करके किसी को दूँ, फिर उसको अथोराइजेशन दूँ कि भाई आप जो है फिर इंटरेस्ट जो है फिर वो ट्रांसफ़र कर दे, मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ जिसके अंदर इसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दूँ, फिर उसको अथोराइज करूँ कि ये वो मेरा ट्रांसफ़र किया हुआ इंटरेस्ट दूसरे बंदों को ट्रांसफ़र करेगा। अभी मेरी इसके अंदर दो किस्म की एक्टिविटी है, नंबर वन मैं चाहूँगा कि ये जो मैं इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करूँ तो किसी के हवाले वो फाइनल कर दूँ, या ऐसी इसके अंदर हिकमत अमली रखूँ कि ये इंटरेस्ट फाइनल ट्रांसफ़र ना हो और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे के पास जाए, जैसे ये प्रॉपर्टी अगर इनके पास इंटरेस्ट कंक्लूड होगा, फाइनल हो जाएगा जिसके पास ये यानी इंटरेस्ट आकर एंड हो गया तो फिर उसको ऑथोराइजेशन होगी उसको सेल करे, चूँकि इंटरेस्ट की फाइनलिटी नहीं होगी फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, वो प्रोड्यूस जो है ना वो उसको एप्रोप्रिएट करे, लेकिन उसको इंटरेस्ट जब नहीं होगा तो ही कैन नॉट सेल, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है विदाउट इंटरेस्ट। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनहेरिटेंस और इंटरेस्ट उसके बाद दूसरी बात होती है, एक बंदा जब फोत हो जाता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है, और उसके अंदर देखिए दो चार चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी दूसरे के पास कैसे जाती है। मैं प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, मैंने प्रॉपर्टी आपको सेल कर दी तो ये कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप आपके पास आ गई, क्यों, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का सब लेसी हूँ और मेरे पास सब लीज़ है वो रजिस्टर्ड है, मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन क्या ट्रांसफ़र करूँगा, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि इस ऑफिस जो मेरी है इसके अंदर 50 ऑफिस है और हैं, 50 ओनर नहीं है, लेकिन हर एक को राइट है टू रिटेन एंड सेल, तो मैं आपको वो राइट ट्रांसफ़र करूँगा जो अंडर सबलीज मेरे पास है, तो सबलीज के अगेंस्ट में सबलीज होगी, ठीक है ना। मैं ये प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखता हूँ,
तो बैंक के पास जब मॉर्गेज रखूंगा तो बैंक को अथोराइज करूंगा कि अगर मैंने आपको टाइमली इसका जो मॉर्गेज मनी है रिटर्न या रिफंड नहीं की तो आप इसको जो है वो ऑक्शन करना, सेल करना। तो जो ये अथोराइजेशन है, अंडरटेकिंग है, उसके अंदर मैंने बैंक को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया और बैंक मेरा इंटरेस्ट इन कैश करके इसको ऑक्शन करेगी। आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, आखिरी चीज़ जो है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं फोत हो जाता हूँ और उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं वो सक्सीड करते हैं, तो उनका स्टेटस क्या होता है? व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय यानी चिल्ड्रेन? उसके अंदर ये तो ओनर भी नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट भी इनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैंने लिखकर भी कुछ नहीं दिया, तो ये कहा है कि ये तो सक्सेशन ओपन हुई, ये तो बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस इनके पास आ गया कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो बाप की तरफ से इनहेरिट कर रहे हैं। क्या मैंने इनहेरिटेंस की कोई डीड इनको दी है? क्या मैंने कोई विल छोड़ी है कि भाई इतना इतना जो है वो शेयर ये ले लें? तो मेरा मकसद कहने को ये है कि उसके अंदर आफ्टर डिमाइज ऑफ द प्रोपोजिटस जब ये लीगल उसकी सक्सेशन ओपन होती है तो उसके अंदर यानी चार जो है ना वो ये हैं अपनी ऑफिस हैं, चार मेरे बेटे हैं, एक के पास एक गया, दूसरे के पास दूसरा गया, तीसरे के पास तीसरा, चौथे के पास चौथा, लेकिन इसको मेरी तरफ से क्या ट्रांसफ़र हुआ? और वो उसके अंदर जो पोजीशन अपनी रिटेन करेंगे या उसके मालिक कहलाएंगे तो किस यानी डिस्क्रिप्शन के साथ? तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो है लाइफ टेनेंट्स, लाइफ टेनेंट्स, दे आर नॉट ओनर नॉर आई हैव ट्रांसफर्ड माई इंटरेस्ट एंड नॉट ट्रांसफर माई राइट, दे हैव इनहेरिटेड एंड बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस दे आर लाइफ टेनेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो लाइफ टेनेंट के तौर पर वो भी बेच सकते हैं, अटार्नी जब जिसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है वो भी बेच सकता है, बैंक जिसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है वो भी बेच सकता है, सबलेसी जिसको राइट ट्रांसफ़र होता है वो भी बेच सकता है, और ओनर जिसको ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है वो जो परचेजर वो भी बेच सकता है। बेच तो सारे सकते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन नामन कलेचर हर एक का चेंज होता है, ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई कि इनहेरिटेंस का सेक्शन 13 से और सेक्शन 14 से कोई लिंक नहीं है। सेक्शन 13 इज़ डिफरेंट थिंग, सेक्शन 14 इज़ डिफरेंट थिंग, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज़ डिफरेंट थिंग। जो सेक्शन 13 है जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई वो बंदा अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके दे रहा है, दिस अ न्यू थिंग फॉर यू। जो सेक्शन 13 के अंदर इलस्ट्रेशन है उसका परपोर्ट ये है, एक बंदा अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके दे रहा है। क्या एक बंदा अपने आप को प्रॉपर्टी, अपने आप को, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ, अभी मैं एक डीड तैयार करता हूँ कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र करके दे रहा हूँ, ये पॉसिबल है? आप क्या समझते हैं, ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये पॉसिबल तो है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिसके अंदर लिखा गया है मैन कैन ट्रांसफ़र हिज प्रॉपर्टी टू हिम, टू हिमसेल्फ, वहाँ तो क्लियर लिखा गया है। फिर उसके आगे मैं आपको समझाता हूँ उन सर्कमस्टांसेस में जब ये खुद अपने आप को ट्रांसफ़र करता है फिर क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज़ न्यू डिबेट, न्यू थिंग फॉर यू, लेकिन लॉ के अंदर है कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफ़र करता है इरिस्पेक्टिवली वो उसका मालिक है। 5 ऑफ टीपी एक्ट, वो ज़रा गौर से देखना, उसके अंदर सारी चीज़ क्लियर हो रही है। सेक्शन 5 कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है। इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट आर इन फ्यूचर, आइदर टूडे आर टूमारो, कन्वेज दैट प्रॉपर्टी, कन्वेज मीन्स ट्रांसफ़र, कन्वेज दैट प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट आर इन फ्यूचर टू वन आर मोर अदर लिविंग पर्सन्स, मैं लिविंग हूँ और मैं अपने लाइफ टाइम में इसको कन्वे कर रहा हूँ ट्रांसफ़र टू वन आर मोर पर्सन्स इन डिफरेंट मूड्स, कैसे, बाय गिफ्ट, बाय सेल, बाय मॉर्गेज, बाय राइट, ठीक है ना, कन्वे किया।
आर यहां आर आया, आर टू हिमसेल्फ, दिस इज वेरी मच क्लियर, आर टू हिमसेल्फ मीन्स कन्वेज दैट प्रॉपर्टी टू दोज पर्सन्स आर हिमसेल्फ, आर हिमसेल्फ एंड वन आर मोर अदर लिविंग पर्सन्स, वन आर मोर अदर लिविंग पर्सन्स एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। आप क्लियर हो गए ना कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे उसका परपोर्ट क्या है, व्हाट इज द परपोर्ट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो आता है सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 कहता है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड, जब किसी को ट्रांसफर की जाएगी प्रॉपर्टी तो जो ट्रांसफेरी होगा उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जब इंटरेस्ट होगा तो उसके बेसिस पे वो सेल भी करेगा, उसके बेसिस पे बैंक में मॉर्गेज भी करेगा और उसकी बेसिस पे वो उसको रेंट आउट भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया। एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। यहाँ ये जो प्रोविजन है ये ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये उस पर्सन को ट्रांसफर करके दे रहा है जो अभी जिसका वजूद भी नहीं है, जो पैदा भी नहीं हुआ, ये उसको ट्रांसफर करके दे रहा है। पर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट, सब्जेक्ट माना ये कंडीशन ये है, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफेरर इन द प्रॉपर्टी। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं तो मानता हूँ, लेकिन इसका मकसद ये है अगर उसको पूरे का पूरा ट्रांसफर इंटरेस्ट नहीं किया तो फिर ये यानी उसको ट्रांसफर नहीं होगी, अगर वो देता है तो पूरे का पूरा उस अनबॉर्न पर्सन को इंटरेस्ट ट्रांसफर करे, लेकिन पोर्शंस में ना करे। पोर्शंस में कैसे होता है वो इलस्ट्रेशंस में है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये प्रोविजन को बहुत सिंपलीफाई करके आपके सामने ले आ रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसको 3-4 मरतबा पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर, ए ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर मीन्स एक ओनर अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके दे रहा है, दिस इज द डेट इलस्ट्रेशन। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इंटरेस्ट, ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके दे रहा है किसको, बी को, क्यों, आउट ऑफ ट्रस्ट, ही इज माई ट्रस्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को आउट ऑफ ट्रस्ट ट्रांसफर करके दे रहा हूँ, उसके पीछे कंसीडरेशन क्या है अभी आता है। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट आउट ऑफ ट्रस्ट उसको ट्रांसफर करके दे रहा है फॉर ए कि आप मुझे ट्रांसफर करेंगे, ये जो मैं आपको ट्रांसफर करके दे रहा हूँ आप फिर मुझे ट्रांसफर करेंगे। देखिए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड एंड टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन विथ पर्टिकुलर्स। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर टू बी इंटरेस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइफ। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, अभी देखो मैं आउट ऑफ ट्रस्ट आपको ट्रांसफर करके दे रहा हूँ और उस ट्रांसफर का जो मसला है आप इसको फिर रीट्रांसफर आप करके देंगे, मेरी प्रॉपर्टी है मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी, अभी आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे मेरे लिए और मेरी इंटेंडेड वाइफ के लिए फॉर आवर लाइफ मीन्स सक्सेसफुली, मैं मरा मेरी वाइफ मरी उसके बाद आपको क्या करना है। आगे आगे वो आता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे रहा हूँ, अभी ये प्रॉपर्टी आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, मुझे और मेरी इंटेंडेड वाइफ को, नहीं है शायद फिर बाद में शादी करेगा, मेरी और मेरी इंटेंडेड वाइफ को आप उसको ट्रांसफ़र करके देंगे और वो ट्रांसफ़र हमारे फेवर में होगी, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और ये जब डीड तैयार हुई तो अभी इसके अंदर ये चीज़ आ गई कि ये प्रॉपर्टी तो इस बंदे की है लेकिन इसने जिसको ट्रांसफ़र की है उसने इसको रीट्रांसफ़र करके उसकी अपनी प्रॉपर्टी दी है,
अच्छा अब ये रीट्रांसफर करके उसने उसको प्रॉपर्टी दी है तो उसके पीछे कोई मकसद है, देयर इज सम पर्पस। ये नहीं है कि भाई आपको मैं प्रॉपर्टी, वो क्यों दे रहा है, फिर वो क्यों कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करेंगे, फॉर मी एंड माई इंटेंडेड वाइफ। उसके बाद आगे क्या कहता है, अच्छा आफ्टर डेथ ऑफ द सर्वाइवर, मेरे मरने के बाद और मेरी वाइफ के मरने के बाद, फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंड मेरे, मुझे बेटा पैदा होगा, वो बड़ा होगा, वो भी शादी करेगा, और शादी करने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे मेरे बड़े बेटे को और मेरे बड़े बेटे की बीवी को, फिर वो लाइफ टाइम में इन्जॉय करेंगे, दे विल इन्जॉय दैट प्रॉपर्टी फॉर देयर लाइफ टाइम, फॉर लाइफ, मैरिज फॉर लाइफ। एंड आफ्टर डेथ, मेरे बड़े बेटे के मरने के बाद, आफ्टर डेथ फॉर ए सेकंड सन, अच्छा उसके बाद फिर वो ही ट्रांसफ़र करके देंगे मेरा जो सेकंड सन है और उसकी वाइफ को। यानी इसने इस तरह के एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया और उसके लिए किया कि भाई ये जो ट्रांसफ़र है वो एक ऐसे पर्सन के पास जा रही है जहां इंटरेस्ट जो है वो उसको फाइनली इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट उसने ऐसा रखा है कि भाई पहले ये इसको एंजॉय करेगा, क्योंकि ये इसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ये मुझे ट्रांसफ़र करेगा, पोजीशन तो मेरे में है, और लेकिन उस मेरे मरने के बाद मेरे बड़े बेटे को ट्रांसफ़र करके देगा, मेरे बड़े बेटे के मरने के बाद मेरे सेकंड बेटे को ट्रांसफ़र करके देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ रहेगी। और जब ये इंटरेस्ट उसको नहीं है तो ये लॉ कहता है, ये जो प्रोविजन है, जब आपने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो आप कर रहे हैं वो लीगल नहीं है। क्योंकि लीगल तब प्रॉपर्टी होगी जब आप अगर किसी को अपने आप को भी ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं विथ इंटरेस्ट करें, आप उसको इस तरह से प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि अपने आप को भी इंटरेस्ट अज्यूम नहीं कर रहे, दूसरे बेटे को भी इंटरेस्ट जो है ना वो भी उसको अज्यूम नहीं कर रहा, और तीसरे बेटे के पास है, ये ट्रांसफ़र लीगल नहीं है। अभी मैं इसको फिर सेक्शन 13 पे ले जाता हूँ वापस, वहाँ ये क्लियर होता है कि ये जो ट्रांसफ़र है वो लीगल नहीं है, क्योंकि ये एक जगह पे रुकता नहीं है। वेयर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। तो जो भी ट्रांसफ़र अनबॉर्न के लिए आप करें, लेकिन विथ इंटरेस्ट करें, विथ इंटरेस्ट कर दें। सब्जेक्ट ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, सब्जेक्ट ऑफ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, जैसे ये सब्जेक्ट प्रायर इंटरेस्ट इलस्ट्रेशन में आया, सब्जेक्ट प्रायर इंटरेस्ट क्या आया था, भाई मुझे देंगे, मेरे बाद मेरे फर्स्ट बेटे को देंगे, उसके मरने के बाद सेकंड बेटे को देंगे, ये थी कंडीशन। उसने कहा कि ये जो अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट। जब आप इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे हैं तो वो टेक इफेक्ट कैसे करेगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर एंड द प्रॉपर्टी। जब तक आप उसको कंप्लीट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे ये होगा। हाँ ये आप कर सकते थे, भाई बात सुने, मैं प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ टाइम तक मैं जो है वो इसको एंजॉय करूँगा, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को और उसकी इंटेंडेड वाइफ को जाएगी विथ इंटरेस्ट, वो जैसे चाहे वो करें, दिस अवेलेबल। ये इंटरेस्ट कहाँ यानी टिकता नहीं है, ये इंटरेस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, तो फिर ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ। तो इस दो चीज़ें आपने अच्छी तरह से सीखी होंगी इस डिबेट से, एक तो ये कि अपनी प्रॉपर्टी बंदा खुद अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, अगर कोई भी ट्रांसफ़र किसी की फेवर में किया जाए तो कंप्लीट ट्रांसफ़र कब होता है, तब होता है जब उसको उसके साथ इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र हो। लेकिन इस रूल को, इस सेक्शन को, 13 को सेक्शन 14 निगेट करता है, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सेक्शन 14 ने रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में ये आता है कि एक बंदा है वो क्या करता है कि उसको चार बंदे हैं सामने, वो उनको बिठाता है, भाई मेरी 10 एकड़ ज़मीन है, मैं एक डीड तैयार करता हूँ, 10 एकड़ डीड के हिसाब से अभी क्या है कि ये जो
मेरे डिमाइस के बाद ये जो ज़मीन 20 एकड़ है देट विल बी इंजॉयड बाय माई फर्स्ट सन। ठीक है, आफ्टर द डिमाइज देट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेकंड सन, आफ्टर डिमाइज ऑफ सेकंड सन देट विल बी ट्रांसफर्ड टू थर्ड सन। हवाला वो खुद मर जाता है, यानी वो कहता है आफ्टर माई डेथ, लेकिन डीड ये है आफ्टर डिमाइज ऑफ थर्ड सन या कजिन वाट एवर में भी, लेकिन वो चार बंदे मौजूद हों जो रूल ऑफ परपिचुटी की रिक्वायरमेंट है, जिनको ये ट्रांसफ़र कर रहा है वन बाय वन, वो चार बंदे उस वक्त मौजूद हों, ऐसा ना हो उनमें कोई ना हो, चौथे को जब ट्रांसफ़र करके दे रहा है तो ला कहता है कि कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र का ड्राप सीन तो होगा। वो ड्राप सीन कैसे हो रहा है? उसने कहा कि आखिर में ये जो मेरा चौथवा कज़िन है या बेटा है उसको ये ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उस वक्त जब इसको ट्रांसफ़र होगा तो उस वक्त उसके पास एक माइनर सन का होना ज़रूरी है जो मेजर ना हो। वो जो माइनर सन है वो उसका ये फिर बन जाएगा गार्डियन, क्योंकि ट्रांसफ़र तो माइनर को हो गया लेकिन वो उसका बेटा है तो वो हो गया उसका गार्डन, और गार्डन के तौर पर 18 साल की उम्र तक वो उस ज़मीन का कस्टोडियन होगा, और 18 साल के बाद ये उसको ट्रांसफ़र करेगा। और ये जो ट्रांसफ़र आखिरी है जिसके अंदर मैं आपको लिख रहा हूँ, उस वक्त ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होगी विथ इंटरेस्ट। वो मेरा जो बंदा है छोटा चौथे बच्चे का बच्चा है उसको मैं पावर दे रहा हूँ, वो इसको जाकर बेचे कुछ भी कर दे, वहाँ तक ट्रांसफ़र से आगे ड्राप सीन ख़त्म हो जाता है। दिस इज रूल अगेंस्ट परपिचुटी, सही है ना? अभी मैंने आपको ये मिसाल दी, चार बंदों का होना ज़रूरी है, एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो रही है, दूसरे से तीसरे के पास ट्रांसफ़र हो रही है, तीसरे से चौथे के पास ट्रांसफ़र हो रही है, और चौथा है उसके पास एक माइनर का होना ज़रूरी है, और माइनर का ये एज़ अ गार्डन अपॉइंट होगा, और गार्डन के तौर पर वो तब तक प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा जब तक वो जवान हो जाए, जब ये उसको ट्रांसफ़र करेगा तो उसके पास इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर वो चाहे माइनर इसको बेचे बेच सकता है, बाकी चार में से कोई नहीं उसको बेच सकता क्योंकि उसको इंटरेस्ट बेचने का ही नहीं, वो पावर उसने डेलीगेट किया नहीं। अभी मैं पढ़ता हूँ रूल अगेंस्ट परपिचुटी, तो मिसाल जो मैंने आपको दी है वो सामने रखना, फिर आप समझते जाएंगे, नहीं तो ये ला समझ में नहीं आता, ये बहुत टिपिकल होते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट व्हिच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन आर मोर persons, वन आर मोर persons लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। एक फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन आर मोर persons लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र एंड द मिनॉरिटी, अभी वो कह रहा है कि आखिर में जो चौथा है उसका एक बच्चा है जो माइनर है। अभी आपको ये भी बात बता दूं, सपोज़ कीजिए वो चौथवा जिसके पास है उसको कोई बचा ही नहीं है, हो भी सकता है ना, कोई बेटा है ही नहीं, तो ये रूल ऑफ परपिचुटी फेल हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र के बाद कोई जो उसकी जो यानी जो एग्जीक्यूशन है, जो उसने डॉक्यूमेंट लिखा है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आगे जिसको जो चाहे करे, लेकिन रूल अगेंस्ट परपिचुटी ख़त्म। रूल अगेंस्ट परपिचुटी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है कि भाई वो मिनॉरिटी, यहाँ लिखा गया है एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सॉरी एंड द मिनॉरिटी ऑफ सम पर्सन, मिनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, मीन्स वो माइनर हो जब ये ट्रांसफ़र उसको इंटरेस्ट हो रहा है, वो माइनर का वजूद हो, एंड टू होम इफ ही अटेंस फुल एज द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग, जिसके साथ ये इंटरेस्ट जिसके साथ बिलोंग करेगा। अब समझ गए कि मीन्स इसका मकसद ये है कि रूल ऑफ परपिचुटी के तहत ये जो इंटरेस्ट होता है, जो क्रिएट होता है, वो एक से दूसरी की जगह पे ट्रांसफ़र होता है, दूसरे से तीसरे के पास ट्रांसफ़र हो गया, तीसरे से चौथे के पास ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन चौथे के पास जब ट्रांसफ़र हुआ वहाँ एक माइनर का होना ज़रूरी है, और माइनर के तौर पर जब वो बड़ा होगा तो जब उसको ये पूरा ट्रांसफ़र करेगा जो भी है वो प्रॉपर्टी, तो उसके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद उसकी मर्जी है बेचे कुछ भी करे, लेकिन वो उसके बाद फिर आगे कोई कुछ नहीं है, आगे ख़त्म हो गया।
तो ये रूल अगेंस्ट परपेचुअटी था और ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन था। ट्रांसफर इंटरेस्ट के साथ होता है और उसकी लीगलिटी प्रोप्रायटी सेक्शन 13 में दैट इज़ फॉलोड बाय सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि बंदा अपने आप को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज का लेक्चर टाइम ख़त्म हो गया।